हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर फॉर आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात कि अगर हमने एज ए सिस्टम ले लिया किसको, आइडियल गैस को, आइडियल गैस को, तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस आप लगा दो, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, कुछ भी, है ना, सिस्टम आइडियल गैस अगर है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। और मेरी बात सुनो, ये जो पीवी को एनआरटी एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और आपको पता होगा रियल लाइफ में आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सभी में कुछ ना कुछ डिमेरिट है, वैसे ही आइडियल गैस भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो भी गैस आएगा उसको आइडियल अज्यूम करके ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब तक कि वो रियल लिख के ना दे। जब रियल लिख के देगा तो रियल की तरह उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं लिख के दिया कुछ भी तो हम बच्चों से ट्रीट करेंगे एज ए क्या, आइडियल गैस। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। अब आगे कंडीशन ये है कि पीबीटी मतलब ये जब हम लेंगे ना, इसमें आइडियल गैस ले लिए पीबी को टू नाइनटी बाई लीडर पॉइंट पे, और टाइप कैसा है इसका, क्लोज टाइप का है। ठीक है, टाइप कैसा है, क्लोज। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम हमने ले लिया। अब इसमें क्या हो सकता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरिएबल हो सकता है और तीनों में से कोई एक कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके सारे प्रोसेस को देखना है हमें, और हर प्रोसेस में जा जाकर, हर प्रोसेस में जा जाकर डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू, डब्ल्यू निकालना है। और नीट में इस सेक्शन से डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड, जेई में भी फॉर्मूला बेस्ड ही आता है ना। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है जेई एडवांस में, मेंस में, नीट में। ओके, तो मैं यहाँ कंडीशन देख ली, मेरी बात तो समझिए, मैं कह रहा हूँ कि पीबी इक्वल टू एनआरटी जो मैं लगा रहा हूं ना यहाँ पे, इसमें हो सकता है कि ये तीनों वेरिएबल हो, और हो सकता है कि दो वेरिएबल हो, एक कॉन्स्टेंट हो कोई भी। मान लो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मान लो प्रेशर कॉन्स्टेंट, मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई भी है ना। और साथ ही साथ बच्चों, इस क्लोज सिस्टम में पिस्टन फिटेड है, दैट इज ये हमारा कंटेनर, और ये क्या हो गया आपका आइडियल गैस। ठीक है, और ये क्या हो गया पिस्टन। और पीवीटी में जो इसकी इनसाइड का जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा, इसी पे हम जब अप्लाई करेंगे क्या लगाएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब प्रेशर जो यहाँ का है, वॉल्यूम जो इसका है, मोल जो यहां भरा हुआ है, टी जो टेम्परेचर यहां का है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो। अभी बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस। के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा बहुत बातें कि ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जब सिस्टम गुजरेगा तो उसको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, है ना। यहां पर टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहां पर डेल्टा टी और डीटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो यहां से आप ये लगा सकते हैं कि पीबी इक्वल टू एनआरटी
तो फॉर ए गिवन कंडीशन ये टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। एन तो कांस्टेंट होगा गिवन रिएक्शन या जो भी सिस्टम है उसके लिए, मोल तो बदलते नहीं, एक बार जो लेना है ले लो, उसको वही रहेगा। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट, इन तीनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आएगा कोई भी वैल्यू, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आपका के। प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, बट इनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस बच्चों आने वाला नहीं है। मतलब अगर आप ऐसा कर दिए कि पी वन बी वन तो के ही रहेगा, पी टू बी टू तो भी के ही रहेगा इनका प्रोडक्ट, पी थ्री बी थ्री तब भी के ही रहेगा, पी एन बी एन तब भी के ही रहेगा। ओके, ये बात समझना कि कितना प्रेशर आप चेंज करो, जितना प्रेशर चेंज करो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, बाकी टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से एनआरटी का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही होगा। यहां से फाइनली याद रखिएगा कि पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू, और इसी का हम लोग यूज करते हैं। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है तो इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम, इसमें से कोई एक दिया उससे डिवाइड कर दो, इसमें दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। और इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू इज इक्वल टू पी थ्री बी थ्री इज इक्वल टू डॉट 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 पी एन बी एन, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे अपन, यहाँ पे कोई दिक्कत यहां तक किसी को, गिव मी आंसर यस और नो। थोड़ा फास्ट दो बाबू आंसर, है ना, कोई अलग तरीके से भी लिख सकता है, जैसे ना ऐसा जैसा मन कर लिखो, समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, कर लिए ना यहां तक, कर लिए। अब आगे बढ़ते बेटा, सब लगा जाओ। और आइडियल गैस, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के लिए तो पढ़ रहे हैं, एट एनी प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी, याद है ना। हाँ हमें पता है कि सी भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते हैं मोलर रेट कैपेसिटी को, बट डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए हर प्रोसेस में एनसीपी डेल्टा टी होगा, इसका डिटेल प्रूफ मैंने आपको बताया है ना बच्चों। दूसरी बात, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, कहे कि हम क्या लेके घूम रहे हैं, आइडियल गैस लेके घूम रहे हैं ना, इस वजह से। तो सबसे पहले प्यार से लिखिए कि डेल्टा यू इनके सब आइसोथर्मल प्रोसेस एनसीबी डेल्टा टी, अब देखिए डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, ठीक है। दूसरा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, ये भी डेल्टा टी जीरो है ना, डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अब लगा दो थर्ड में प्लॉट, एफ एल ओ टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, है ना, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सुनो, किसी किसी बुक में ना ऐसा लिख के देगा डेल्टा यू के बारे में, डेल्टा ई, वो टोटल एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करके देता है, तो घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया आपका जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना, समझ में आया। अरे बोलो बोलो, यहां तक समझ में आया ना, सारे बच्चे बोलिए, तुम लोग आंसर नहीं दे तो हमको कमजोरी होने लगता है बाबू, पैर हाथ में दर्द हो जाता है हमको, तुम लोग आंसर नहीं देते हो तो, आंसर देते हो तो बहुत फुर्तीला रहता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं। करो
कमजोर मत बनाओ हमको, मजबूत बनाओ, मजबूत आंसर देके मजबूत बनाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब q इक्वल टू माइनस w तो आ गया, अब ये वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, यहां से वर्क डन निकालने के लिए दो प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, एक वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और रिवर्सिबल प्रेशर प्रोसेस में क्या रहेगा? प्रेशर वेरिएबल। क्या ये चीज में लिखा वो समझ में आया? मजबूती दो हमको आंसर देके, कमजोर मत बनाओ हमें, ये लिखे समझ में आया? अरे आंसर दो। अंकिता का भी मैसेज आया, बहुत बढ़िया अंकिता, मैथिली दिव्यांग सिद्धि, दिशा, निहारिका, श्वेता, आज तो ग्रुप में गर्ल्स ज्यादा एक्टिव लग रही है, बॉयज आज सुस्त लग रहे हैं अपने बैच वाले आज, क्योंकि आज मैसेज गर्ल्स का ही ज्यादा आ रहा है, बॉयज भी कुछ कुछ बॉयज का आ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अब ले रहे बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन का लगा देंगे डब्ल्यू आर पी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल आपका क्या, आपका डीवी बी वन से लेके बी टू तक, है ना। अब देखिए ऊपर से जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है कौन सा प्रेशर हो गया? इंटरनल प्रेशर। रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या होगा? इक्वल होगा ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लियर। और धीरे धीरे क्या रहा? ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, और इंटरनल प्रेशर में हम लोग क्या लगाते हैं? पी भी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया? एनआरटी बाई बी। मोहम्मद असाब बहुत बढ़िया, थैंक यू, एनआरटी बाई बी, है ना। यहां से आ गया एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पी इंटरनल, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया? एन आर टी बाय बी। है ना, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल इज इक्वल टू क्या आपका एन आर टी बाय बी। यहां तक किसी को दिक्कत? आंसर दो, आंसर दो, नहीं है दिक्कत? हाँ देखो, इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम बाहर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है क्या होता है आपका? वेरिएबल होता है। वेरिएबल को बाहर तुम कर नहीं सकते, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल ले वर्क डन, यहां तो प्रेशर वेरिएबल होता है ना रिवर्सिबल में, तो वर्क डन रिवर्सिबल माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीबी। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेशर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इक्वल होता है, तो इस वजह से प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल, और इंटरनल प्रेशर का वैल्यू क्या है? एनआरटी बाई बी। अरे पी भी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनआरटी बाई बी आ जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यहां से डायरेक्टली ये आ गया कितना? एनआरटी बाई बी, जिसमें एन क्या हो गया? मोल ऑफ गैस। आर क्या हो गया? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या हो गया? टेम्परेचर। बी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, है ना। तब लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू
माइनस ऑफ एन आर टी बाय बी डी बी बी वन से लेके बी टू तक, एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तीनों को बाहर फेंको भाग में बोल के, माइनस ऑफ एन आर टी, माइनस ऑफ एन आर टी इंटू एल एन बी, बी वन से बी टू, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ एन आर टी एल एन बी टू माइनस एल एन क्या आपका बी वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन आर टी एल एन बी टू बाय क्या आपका बी वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बेस में ई होता है, यहां लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 2.303, ठीक है ना, एन आर टी लॉग बी टू बाय क्या आपका बी वन। और तुम्हें एक बात मैंने पढ़ाया है कि जब भी एक्सपांसन होगा ना तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वहां वर्क डन निगेटिव आएगा। देखो यहां पे टेम्परेचर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, एन पॉजिटिव, लॉग बी टू बाय बी वन, देखिए अगर एक्सपांसन होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम है ना, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए अगर बी टू ग्रेटर देन बी वन हुआ तो बी टू बाई बी वन का वैल्यू क्या ग्रेटर देन वन आएगा है ना, ग्रेटर देन क्या आएगा वन। अब अगर ये ग्रेटर देन वन आया तो लॉग लगा दिए तो उसका जब वैल्यू निकालेंगे लॉग वन जीरो होता है, और लॉग में पॉजिटिव में कुछ भी लेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आउटपुट देगा ओके। और ये इधर से निगेटिव तो नेट क्या हुआ निगेटिव आ रहा है ना वर्क डन बाय सिस्टम। और मान लो बी टू लेस देन बी वन कंप्रेशन हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लेस देन वन आ जाएगा, जीरो से वन के बीच में बिलोंग करेगा। और आपको पता है ना कि लॉग में जब जीरो से वन के बीच में वैल्यू हो तो वो निगेटिव में आउटपुट देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वर्क डन बाय क्या हो गया सराउंडिंग मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम ओके। ये कंडीशन है, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी एक्सप्रेस हम करते हैं बच्चों कि मान लो यहां से हम माइनस अगर कॉमन ले ले माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहां से आ जाएगा एन आर टी एल एन बी वन बाय बी टू। देख लेना कैसे दिया ऑप्शन में, क्योंकि डायरेक्ट नीट में आ चुका है वर्क डन का फॉर्मूला इन आइसोथर्मल प्रोसेस जबकि रिवर्सिबल हो तो रटना पड़ेगा एकदम आपको एन आर टी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग बी वन बाय बी टू ओके। तो ये कंडीशन आ गया हमारा, ये एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा है ना, ये कंडीशन एग्जैक्ट 2.303 एन आर टी लॉग बी वन बाय बी टू आ गया ठीक है ना। वैसे ज्यादातर इसी फॉर्मेट में आप याद रखने की कोशिश करो, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं ठीक है, कि माइनस कॉमन खाली इसमें निकाल ली तो डेरिवेशन कर लेना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अगर आपको ये नहीं दिखा तो सोचना गलत है, आप कन्वर्ट करके इसमें लिखने की कोशिश जरूर करना ठीक है ना। ये वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या आपका वॉल्यूम ठीक है ना बाबू ठीक है ना, समझ रहे हो। अब उसके बाद एक बात और फ्रॉम पी वन बी वन इक्वल टू क्या पी टू बी टू, P1 वन बाय पी टू इज इक्वल टू क्या बी टू बाय बी वन ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन रिवर्सिबल माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बी टू बाय बी वन के पोजिशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या
P1 by P2, ठीक है? तो ये आ गया वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रेशर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन है वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां तो सीधा बात बेटा याद रखना, ठीक है, याद रखना यहां प्रेशर जो होगा एक्सटर्नल वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, समझे ना। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, बोलेगा हट बे बाहर बिकॉज तू कॉन्स्टेंट है, कौन बोलेगा इसको, इंटीग्रेशन साइन। तो चुपचाप मुंह लटका के बाहर जाएगा, मुंह लटकाते हुए माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी B1 से लेकर B2 तक। अब इसको इंटीग्रेट जब करिएगा तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या आ जाएगा, B1 से B2 रिपूट कर देंगे, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू B2 माइनस क्या आपका B1, है ना। तो ये बात आ गया, है ना बच्चों, ये आ गया हमारा वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें भी देखिए अगर एक्सपांसन होगा तो निगेटिव वर्क डन आना चाहिए, तो B2 माइनस B1 अगर ये पॉजिटिव आया, B2 माइनस B1 अगर पॉजिटिव आया तो नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब एक्सपांसन में निगेटिव तो आ ही रहा है, और जब कंप्रेशन होगा तो B2 लेस देन B1, देन उस केस में ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस ये चीज हो गया। क्या आपको यहां तक समझ में आया है, क्या आपको यहां तक समझ में आया है, बताओ जल्दी से सारे बच्चे जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, जहां बैठे हो वहीं पे चिल्लाओ आ गया, जोर से घर पे बैठे हो वहीं चिल्लाओ आ गया, प्लीज चिल्लाओ ना यार एक बार, नहीं बोलो मत, चिल्लाओ चिल्लाओ, घर वाले सोचे कि दौरा पड़ा है तुमको, ऐसा लगना चाहिए, चिल्लाओ आ गया एकदम तेज आवाज में, चिल्लाओ ना भाई, रियलिटी में रियल आवाज निकालो मुंह से। बोलना नहीं है सिर्फ, धीरे से तेज आवाज में चिल्लाओ, ऐसा तेज आवाज में चिल्लाओ कि मम्मी आके एक तमाचा लगाए गाल में फिर मजा आएगा मुझे। चलो ठीक है, कोई नहीं, वर्क डन इरिवर्सिबल क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल बी टू माइनस बी वन, ठीक है। किसी को पढ़ा क्या चिल्लाने के बाद, पढ़ाओ तो बताओ मजा आ जाएगा सुन के, किसी को थप्पड़ पड़ा चिल्लाने पे, नहीं चिल्लाए भी नहीं किए होगे, आपको मेरे को कौन पीटेगा भाई, मैं तो यहां अकेला ही रहता, मेरी मम्मी थोड़ी ना मेरे साथ है, चलिए। अब आगे एक बात देखो, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखें, यहां पे जो V2 है फाइनल वॉल्यूम किसका, कंटेनर का, और जो B1 है फाइनल वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम, इसमें लिख सकते हैं PB, B2 इक्वल टू NRT by P2 एंड B1 इक्वल टू NRT by P1,
जिसमें ये कौन सा प्रेशर होगा, इनिशियल प्रेशर, और ये कौन सा प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर। और आपको पता है ना रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक से प्रेशर चेंज होता है, और वो तब तक मूव करेगा पिस्टन जब तक कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इंटरनल प्रेशर ना हो जाए, मतलब फाइनल प्रेशर ना हो जाए। मतलब ये फाइनल प्रेशर किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। ये याद रखना कि अगर प्रॉब्लम में, अगर प्रॉब्लम में आपको एक्सटर्नल प्रेशर अलग से मेंशन करके नहीं दिया है, तो जो P2 होगा सिस्टम का वही उसका एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा। समझ रहे हो ना, क्या लिख देंगे, एन आर टी बाई पी टू और माइनस एन आर टी बाई पी वन, ये फॉर्मूला ठीक है ना, जिसमें लिख लीजिएगा P1, P2, P external, ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है, और ये तो आपका जो P external है वो P2 के बराबर हो जाएगा। कब, जब पिस्टन हो जाएगा, पिस्टन विल स्टॉप, पिस्टन विल स्टॉप, क्लियर, तो P external इक्वल टू P2 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, अब देखो यहां पे हम लिखेंगे कि P external equal to P2, इसको अलग से स्टार मार के याद रख लेना, ठीक है, इतनी सारी बातें याद रखो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए जैसे यहां पे V1 आया ना, V1 के पोजीशन पे हमने रख दिया NRT P1 और V2 पोजीशन पे NRT P2। अब खुद ही आप समझ के देखो कि अगर ये पिस्टन है, ठीक है, ये इस पे रख दिया हमने 1 kg, तो नीचे तक मूव करेगा जब तक वापस से नीचे का प्रेशर इसके बराबर ना हो जाए, और जैसे इंटरनल प्रेशर इक्वल जाएगा एक्सटर्नल के, तो पिस्टन मिलके आपका स्टॉप, तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही इंटरनल होगा, कौन सा, फाइनल वाला इंटरनल प्रेशर, क्लियर। तो ये कंडीशन, एक बार सारे बच्चे बोलो क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, एक बच्चे ने मैसेज किया कि ये नहीं आया बाबू, कौन से पॉइंट पे दिक्कत है, बोले एक्सप्लेन करता हूं वापस से, सुनो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, जो हमने निकाला है इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन, देखो पहले क्या किए, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है इरिवर्सिबल में, ठीक है, ये लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा, ये आ गया, ओके। अब इसके बाद देखो ये V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ, फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, मतलब गैस, और ये V1 क्या है, समझ में आया, मैसेज करो, जिस बच्चे ने बोला था रिपीट करने वो बच्चा आंसर देना, बाबू तुमको समझ में आया जो बोला था रिपीट करने, आ गया, चलो ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद जो ग्राफ है बाबू, इस आइसोथर्मल से रिलेटेड, वो ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, इस पे ज्यादा कुछ बताएंगे ही नहीं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, इस पे ज्यादा कुछ बताएंगे ही नहीं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं डिटेल में, एक एक बार पहले ही बता चुका हूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे हम, प्रेशर वर्सेस वन बाय वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ विच इज रिलेटेड विथ आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। अब इसमें एक बात याद रखिएगा,
जो मैक्सिमम वर्क होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, और मिनिमम वर्क डन जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। बट इन केस ऑफ एक्सपांशन, है ना, लिखेंगे इन एक्सपांशन, इन एक्सपांशन इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क इज मिनिमम, एंड रिवर्सिबल बोलोगे सर ऐसा कैसे बता दिए आप, ऐसा कैसे बता दिया। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैक्सिमम मैक्सिमम मत लिखो, एक मिनट, इन एक्सपांशन ये ग्राफ आएगा पी वर्सेस बी का। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, अरे बोलो ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सपांशन, और ये कौन सा है, रिवर्सिबल का ग्राफ, इसका जो एरिया अंडर कर्व है ये क्या देगा, वर्क डन। ठीक है ना, मान लिया एक प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, वॉल्यूम B1 से B2, सेम सब कुछ ऐसा ही लेते हैं, मतलब पहले जिस पॉइंट पे सिस्टम था वहां का प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम B1, बट इस बार हम करा रहे इरिवर्सिबल मैनर में। आपको पता है कि एक्सपांशन के केस में वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस, और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल धीरे धीरे चेंज होता है, हर पॉइंट पर चेंजेस होता है, इसमें प्रेशर एक बार जो चेंज होना हो जाएगा, मान लो ये P2 पे जंप करके चला गया, अब धीरे 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 क्या होगा, एक्सपांड करेगा, और कहां चला गया, B2 पे, इसका एरिया अंडर कर्व ये है। ठीक है ना, तो इसमें एरिया अंडर का ये क्या दिया आपको, वर्क डन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है वर्क डन, और इसमें इसके अलावा भी ये कुछ एरिया ऊपर में ऑक्यूपाइड है ना, तो वर्क डन ज्यादा कहां आपको दिख रहा है बच्चों, बोलो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ऊपर वाले में दिख रहा है ना, इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा होगा कंपेरेबल टू इरिवर्सिबल। सेम यही बात, सेम यही बात क्या, कि अगर कंप्रेशन आप करवाते हैं, तो एक्सपांशन की बात हो गई, अगर आप कंप्रेशन करवा रहे हो, कंप्रेशन केस में चेंजेस आ जाता है कंडीशन, बोलोगे सर कैसे, तो वहां पे इरिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क डन आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड, और रिवर्सिबल में आपको मिलेगा मिनिमम। बोलोगे सर कैसे, देखो कंप्रेशन में क्या वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, इस बार जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो ऐसे रहेगा बट ये एक ऐसा डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज आपका इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल प्रेशर,
दिस इज फाइनल प्रेशर एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम. तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना बेटे? बोलो तुम लोग, मेरे बच्चों आंसर दो, मेरे नादान परिंदो घर आ जाओ और आंसर दो जल्दी से. एक बच्चा बोल रहा, सर हम नादान परिंदे नहीं है. तो कौन सा हो बताओ, नादान नहीं हो तो होशियार परिंदे. चलो ये आ गया, ये जो एरिया अंडर कर्व आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, वर्कडन हो गया. सेम इधर आ जाइए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना. अभी जा देखो, जो यहां इनिशियल वॉल्यूम था वही हमने लिया और जो यहां का इनिशियल प्रेशर था वही हमने लिया, यहां का P1 V1. अब आपको याद करिए, इरिवर्सिबली जब आपको पढ़ाए थे क्या बोले थे, कि जैसे केजी का नमक पैकेट पटकोगे अचानक से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे अब ये पिस्टन नीचे जाएगा, तब तक नीचे जाएगा जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर ना हो जाए. और यहां जाके मान लो रुक गया, यहाँ का B2 और ये क्या हो गया P2. इसमें एरिया अंडर कर्व कौन सा हो गया बच्चों, मेरे नादान बालकों एंड बालिके सभी लोग देखो, ये वाला एरिया क्या है आपका अंडर कर्व, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या देगा, वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, अब देखो ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, इसमें देखिए ये इतना ही कर रहा है और ये इससे जो है मतलब इतना एक्स्ट्रा एरिया इसमें और कवर हो चुका है. तो इस वजह से इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा और रिवर्सिबल में क्या होगा, मिनिमम होगा. क्या समझ पाए बात, समझ पाए बात, ये सब बहुत ऊपर की बात है, है ना, सब नीचे की बात नहीं है. आज मैसेज करने में गर्ल्स टीम बहुत एक्टिव है और बॉयज टीम जो है वो बेवकूफ जैसा कर रहा है, मैसेज नहीं आ रहा इनका कंटिन्यूअसली. टीम बॉयज मैसेज करो भाई, हारना पसंद है क्या तुम लोगों को? तुम बेवकूफ हो फिर एक नंबर के. कासार बोल रहा है हमको फर्क नहीं पड़ता हारे या जीते. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. तो तुमको किस बात से फर्क पड़ता है रे, तो तुम तो आइसोलेटेड हो गया, फिर तुमको दुनियादार से कोई मतलब ही नहीं है, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्या फर्क पड़ता है बोलो. बोलते थप्पड़ से डर लगता है सर, कोई बात नहीं मत डरो. चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़े बढ़े, पैदल बढ़े कि बाइक से, बाइक से बढ़ते हैं ना. तो अब आपको क्वेश्चन में देता हूं, तैयार रखिए अपने हथियार को, क्वेश्चन को खा जाइएगा देखते के साथ, ठीक है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया, सुबह सुबह भूख भी लगा होगा आपको. तो क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस monatomic gas is expanded isothermally isothermally from 280 up 300 kelvin to 180 up 300 kelvin. Calculate Q W
डेल्यू, फिर डेल एच, इफ प्रोसेस इज कैरी आउट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है, गर्ल्स टीम जीतती है या बॉय का टीम जीतता है, देखते हैं कौन जीतता है। पूरी टीम की बात हो रही भाई, मतलब जिधर से ज्यादा आंसर आएगा वही जीतेगा। अगर गर्ल्स में सारे बच्चे मैसेज कर दिए और तुम बॉयज में नहीं किए मैसेज तो तुम हारोगे, बॉयज में सारे मैसेज कर दिए गर्ल्स ने सारा मैसेज नहीं किया तो गर्ल्स हारेगी, देखते कौन जीतता है। और अगर दोनों ने कर दिए तो दोनों ही जीतोगे। पूरा कैलकुलेट करो बेटा जल्दी से। कैलकुलेट करो, पूरा डाटा के चक्कर मत रहो, मेथड को सेटअप करो। अरे भाई जल्दी कर यार, बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है इसमें। चलिए इसको मैं सॉल्व करूं, मैं करता हूं। फर्स्ट है बच्चों डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है, दो मिनट रुको सर मैं रुकता हूं, चलो ठीक है रुकता हूं रुकता हूं। मैथिली बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कौन सा टीम जीतेगा पता नहीं, जल्दी से मैसेज करो ना भाई जल्दी से सब। राम या अल्लाह, चलो मैं अब सॉल्व करता हूं है ना। सबसे पहली बात है यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। डेल्टा एच भी क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। अब अगर बात करें वक्डन का, तो वक्डन या कौन सा बात बोला है बच्चों, रिवर्सिबल बोला है ना, फॉर्मूला लगा दो माइनस और 2.303 एनआरटी लॉग बी टू बाई बी वन। अब यह क्या दिया है, प्रेशर के टर्म्स में दिया है, आप इसको प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, 2.303 एनआरटी लॉग पी वन बाई पी टू। यहां से इस आर का वैल्यू रखना 8.314, तो जूल में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा,
फिर आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि R का वैल्यू 8.314 भी होता है जूल पर मोल पर केल्विन, और एक होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो लीटर एटीएम में मत पुट करो, डायरेक्ट रखो किसमें, जूल में। 2.303, 8.314 मोल जो इसमें दिया है गैस का, 1 मोल, ठीक है। और टेम्परेचर जो दे रखा है 300 केल्विन इंटू लॉग इनिशियल प्रेशर 2 एटीएम फाइनल 1, तो P1 2/1 इधर से आ गया माइनस, और 2.303 देखो एटीएम एटीएम क्या कैंसिल आउट, यहां तो कोई यूनिट नहीं हुआ, यूनिट जो निकल रहा है आर से निकल रहा है, पर क्या होता है जूल पर मोल पर केल्विन, इसका केल्विन 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 क्या हो कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा जूल पर मोल माइनस ऑफ 2.303 8.314 सॉरी 8.303 इंटू बाप यहां पे 1 × 300 और इस लॉग 2 का वैल्यू रख देना 0.3010। सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा जूल में वही आंसर होगा वर्कडन का। अब आगे क्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस डब्लू, क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा था, ये क्या आएगा पॉजिटिव। चलो बढ़िया 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 कशिस, आपका आंसर नहीं आया बाबू, मैसेज नहीं किया अभी तक आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं है ना, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा वो मैंने देखा नहीं हुआ सॉरी, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस या आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 एटीएम वन एटीएम 300 केल्विन टू 2 एटीएम 300 केल्विन। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू डेल एच इफ प्रोसेस इज कैरी आउट फर्स्ट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। चल जल्दी 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 अरे जल्दी करो भाई,
ओके आंसर तो आ गया होगा। अरे यार फर्स्ट तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दोनों के लिए डेल्टा एच का वैल्यू जीरो, दोनों के लिए डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या आपका जीरो, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ओके एंड अगेन आप रिवर्सिबल में वर्क डन वाई माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग पी वन बाय पी टू लगा दो आ जाएगा आंसर। और क्यू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डब्ल्यू एंड इरिवर्सिबल में आप आ जाइएगा यहां पे क्या लगेगा वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी बाय पी टू माइनस एन आर टी बाय पी वन। अब देखिए यहां से एन आर टी बार कॉमन निकल जाएगा तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी वन बाय पी टू माइनस वन बाय पी वन। और आपको पता है ना एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है पी टू के बराबर, तो पुट कर दीजिए यहां पे जो है ठीक है यहां पे जो है ना देखो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस है मेरे भाई, उसमें एक्सपेंशन हो रहा था और यहां कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि 180 से 280 पे जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ टू क्योंकि पी टू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एन, एन का वैल्यू कितना दिया वन, आर का वैल्यू आप पुट कर दो आप 8.314 टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू वन बाय टू माइनस वन है ना। तो यहां से सॉल्व करने के बाद वर्क डन आ जाएगा और जो वर्क डन आएगा उसमें माइनस डब्ल्यू कर दोगे तो क्या आ जाएगा क्यू। समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों एक बार बोलो सभी लोग। समझ में आया मेरे नादान परिंदों, ओ नादान परिंदे घर आजा, तो मैं तुम लोग बोलूंगा ओ नादान परिंदे आंसर कर जा, समझे आंसर कर जा। क्वेश्चन देख टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपांशन अंडर थ्री डिफरेंट पार्ट अंडर थ्री डिफरेंट पाथ, फर्स्ट रिवर्सिबल एक्सपांशन फ्रॉम ट्वेंटी बार हंड्रेड लीटर टू टू बार, सेकेंड है सिंगल स्टेप एक्सपांशन अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टू बार, थर्ड है क्या है थर्ड है थर्ड टू स्टेप एक्सपांशन ठीक है
जिसमें ए दिया हुआ है अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 10 bar. बी दिया है अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 bar. चलो सॉल्व करो, अभी सॉल्व करोगे बाबू या घर पे करोगे, बताओ इस क्वेश्चन को घर पे करोगे या अभी करोगे? अष्ट का भी 2 नहीं दिया, जो दिया वो लिख दिए उसे सॉल्व करना है. अरे बुड बग, P1 B1 = P2 B2 ना निकल जाएगा, B2 चाहिए आपको, खुद ही निकालो भाई. आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी आप लोगों को सॉल्व करना है या घर पे करोगे? आगे पढ़ाऊं? अरे भाई करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम का दिक्कत है यार, जल्दी कर, टाइम ओवर होने वाला है थोड़े टाइम में. सॉल्व करें हम अब? मैं सॉल्व करूं बच्चों? अरे कोई तो बोलो भाई, कोई तो बोलो, मैं सॉल्व कर दूं. टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर टी के टर्म्स में से निकालो, बाद में फूट कर देना जो भी टेम्परेचर देगा. सेटअप तैयार करो, बस फॉर्मूला का सेटअप तैयार करो, टी के टर्म्स में ही आंसर निकालना है. टेम्परेचर टी ले लो, कैपिटल टी.
ऐसे तो तुम लोग पूरे दिन लगा दोगे यार सॉल्व करने में क्वेश्चन, पूरे दिन भर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो फिर। अजब हो, मतलब इतने देर में तो हो जाना चाहिए था। चलो मैं अब सॉल्व करता हूं, है ना, पेन बंद करो और चुपचाप देखो कैसे सॉल्व करते हैं सर जी, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल स्टार क्वेश्चन कैसे डील करेगा आप देखो, ठीक है ना, और एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे डील करेगा वो चीज आप खुद फील करो, और सॉल्यूशन है फर्स्ट का, रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम दिस टू दिस। एक बच्चे को चाहिए था सर वॉल्यूम बताओ फाइनल। अरे बुढ़ बक कहीं के वॉल्यूम का क्या जरूरत है यहाँ पे लगा देंगे वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग P1/P2, बस पुट कर देंगे -2.303। एन का वैल्यू दिया है कितना 2, आर का आर रहने दो, टी का टी ले लो, लॉग ऑफ P1/P2 10 आ गया। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, -2.303 2RT। दिस इज आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट जूल। कौन दिक्कत के? किसी को कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ू साहब? साहब लोग का आंसर ही नहीं आ रहा है, मैम लोग का, साहब लोग का आंसर ही नहीं आता सर, आगे बढ़ो या ना बढ़ो? कुछ साहब लोग का आंसर आया सर, बढ़ो। थैंक यू अनुज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये बोल रहा है सिंगल स्टेप एक्सपेंशन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। सिंगल स्टेप एक्सपेंशन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 bar, तो जो पी एक्सटर्नल दिया है क्या आपका 2 bar, और तुम्हें तो पता है कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आता है P2 P2 bar, तो बात ये सर ये P1 क्या होगा? तो भाई ये सब एक ही क्वेश्चन है ना, ये एक ही क्वेश्चन है ना, बट अलग अलग तरीके से पूछा है ना। तो याद रखना कि आइसोथर्मल का प्रॉपर्टी होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई भी सिस्टम अगर रिवर्सिबली काम कर रहा है और इरिवर्सिबली काम कर रहा है तो वर्क डन के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस तो होगा, बट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दैट इज इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर वॉल्यूम ऑलवेज सेम होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो अब यहां पे आगे मैं लिखवा भी दूंगा ये चीज, यहां पे देखो फ्रॉम 20 bar 100 liter, इसका मतलब इनिशियल प्रेशर क्या है बच्चों 20 bar, है ना। यहां पे लिखेंगे 20 bar। अब लगा दो तुम लोग कि वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल एन आर टी बाय पी वन। इसको बोलेगा ये दोनों कि भाग बाहर, क्या कर, निकल यहां से। तो जब बाहर निकलेगा तो लिखेगा पी एक्सटर्नल इंटू NRT 1/P2 - 1/P1। ओके, आगे लिखेंगे एक्सटर्नल प्रेशर टू और पी टू बराबर किस, इसका वैल्यू क्या है 2 bar, 2 bar इंटू ये जो N है, N कितना दिया 2, R का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर T 1/2 - 1/20। ये सोचना था सिर्फ इस प्रॉब्लम में। ओके, आपने अगर सोच लिया इस प्रॉब्लम में कि P1 क्या है तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं रहा,
फिर तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपके पास आ गया। क्या आपको ये समझ में आया हमने कैसे इसको सॉल्व किया है?